हेलो व्यूअर फैमिली, स्वागत है आप सभी का व्यूअर ब्रदर्स के एक और नए व्लॉग में। आईपीएल देखने में मजा आ रहा है ना, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि खेल के बहुत बड़े प्राइजेस जीत भी रहे हैं। आज का स्पेशल प्राइज है ब्रांड न्यू सैमसंग S24, वो भी सिर्फ एक रुपए में। 80,000 का फोन है भाई, और वो भी सिर्फ एक रुपए में। बाकी व्लॉग में आगे बने रहना, आगे बताऊंगा। मम्मी विशु नीचे आयो, विशु विशु शायद बाथरूम में होगा, उसकी पैंट गलती से ना मेरे रूम में आ गई थी, ये ब्लैक वाली। कोई बात नहीं भाई, सेम कलर का होता है ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मासी आ गए हैं दोनों और मम्मी, तो मैं विशु दोनों मासी और मम्मी हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पे। और मैंने थोड़ा वेट करवा लिया उसके लिए, सॉरी, लेकिन मैं रात को सो गया था ना, मम्मी मेरे को उठाने के लिए आई, एक बार उठाया फिर नीचे आ गई, फिर एक घंटे के बाद दोबारा कॉल किया, रेडी हो गया। मैंने बोला अभी मैं सो ही रहा हूँ, अभी सब क्या चल रहा है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भाई जो भी है अभी जैसा भी टाइम है निकलना तो पड़ेगा ना। अभी देखो पूरा रूम है ना सुना सुना लग रहा है, बाका बेड उधर होता था ना तो भाई ऐसा लगता था कि भाई कोई है ऊपर से, जब नीचे आते थे तो सबसे पहले बाका आशीर्वाद लेते थे, वो सारी चीज़ें चली गई। विशु को भी ना रात को शायद लेट सो गया होगा ना तो उठने में देर लग रही है। विशु सो रहा है या बाथरूम में कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी वो उठा है और बाथरूम में गया तो ठीक है, लेकिन अगर सो रहा है तो फिर गड़बड़ है। ओ विशु पानी का आवाज आ रहा है भाई, शायद बाथरूम में ही है वो। दोस्तों अब बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हैं सैमसंग S24, वो भी सिर्फ एक रुपए में। जिसको सैमसंग S24 नहीं चाहिए वो आगे स्किप कर सकता है, आपका ही लॉस है भाई। लेकिन असली क्रिकेट फैन हो तो आपकी क्रिकेट नॉलेज का जलवा दिखाओ My11 Circle ऐप पर, और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपनी टीम बनाओ 6 अप्रैल के राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु मैच के लिए। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो सैमसंग S24। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ एक रुपया है, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 6 अप्रैल के मैच के लिए ही वैलिड है, और ये सिर्फ अपनी विवा फैमिली के लिए है और मेरे ही दिए लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े प्राइज होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड, जिसे आपको डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है बिकॉज आई ट्रस्ट My11 Circle, और ये 100% सेफ है। और इस बार तो My11 Circle ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। मेक योर टीम ऑन My11 Circle फॉर राजस्थान वर्सेस बेंगलुरु नाउ। और ना आप लोग में से लोग बोलते थे जब मैं व्लॉग में बाको दिखाता था कि भाई बाको इतना मत लाया करो व्लॉग में, वैसे तो वो बहुत कम लोग थे, उनका मैं आंसर करना भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मन हुआ है तो बोल देता हूँ। मेरे को ना बाकी मेमोरीज कलेक्ट करनी थी, व्लॉग किया है वो चीज का, तो आज हमारे साथ बाकी मेमोरी पूरी लाइफ टाइम रहेगी। वैसे दिमाग में तो सब कुछ रहता ही है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें या ऐसे छोटे छोटे कुछ पल जो होते हैं जो अच्छे अच्छे हमने बाकी साथ स्पेंड किए थे वो लाइफ टाइम के लिए हमारे व्लॉग में फिट हो गए। तो जब भी मन करेगा हम ऐसे ही व्लॉग ओपन करके हम खुद देख लेंगे, आप भी देख सकते हो। अच्छी चीज होती है ना तो मैं फट से शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन आप समझ सकते हो। बोलना बहुत कुछ चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। और अभी हम लोग नानी के घर पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मम्मी और जो मासी है मेरे दोस्त, वो तो साथ में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन और भी बाकी सारे मासी और मामा वगैरह वहाँ पर है, तो मम्मी वहाँ पर कुछ दिन रुकने वाली है और फिर 4-1 दिन के बाद वापस आएगी, फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। तब तक रिद्धि भी मुंबई से आ जाएगी। अभी रिद्धि को भी उसकी बा को मिलने का बहुत मन था, और बा को भी बहुत मन था कि रिद्धि आकर मिले, क्योंकि रिद्धि का बॉन्डिंग बा के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए रिद्धि भी मुंबई गई है बा को मिलने के लिए। मैं भी जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर सब बाकी जो भी अभी 13वीं और वो सब होता है आपको पता होगा, तो वो सारा कुछ एक बार हो जाएगा, उसके बाद मैं भी मुंबई जाऊँगा और बा को मिलकर आऊँगा, क्योंकि बा मेरे को भी बहुत याद कर रहे हैं और मेरे को भी बहुत मन है। और काफ़ी टाइम से तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया कि मैं मुंबई नहीं गया हूँ, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता था कि मैं मुंबई जा नहीं पाता था, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि बहुत डिले नहीं करना है, एक बार मुंबई जाकर बाको मिलकर आना है। ચાર પાંચ વાગે
5 बजे अभी 2 बजे बात करते शाम को 5 बजे फटाफट लेला वेला देना, जो भी करना है फ्रेश कर देना, फिर मैं उनके साथ बहुत सारी बातें करने आऊंगी। ये टॉवेल को धूप में सुखा देता हूँ भाई। ये सारी चीज़ ना रिद्धि नहीं है ना, तो मेरे को याद करके सब करना पड़ता है। अगर रिद्धि होती है ना तो ये सारी चीज़ों का मेरे को कोई टेंशन नहीं रहता। लाइफ में आप सबके साथ ना कुछ ना कुछ अगर होता है ना, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन आपको वो कोई एक इम्पोर्टेंट बात सिखा के जाता है। भाभी हमको बहुत कुछ सिखा कर गए। बचपन से तो बाकी के साथ बहुत सारी यादें थी ही थी, लेकिन अभी भाई यहाँ पर रहने आए ना इतने टाइम, तकरीबन 1 महीना 10 दिन के आसपास भाई यहाँ पर रहे, लेकिन इतना कुछ सिखाया ना भाई ने लाइफ टाइम के लिए। एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता चल गई कि जो इंसान मतलब जिंदा होता है ना, तब उसको आप कितना भी प्यार देना चाहो, कुछ भी चाहो, वो तभी कर लो, उनकी सेवा कर लो, जो भी है। जाने के बाद फिर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालोगे, ये डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो है तब उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको प्यार देना, उनकी केयर करना, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक बार जाने के बाद फिर लोगों को दिखाने के लिए इधर डालो उधर डालो, वो चीज़ से क्या मतलब है? दूसरे लोग देखेंगे बस, वही है। लेकिन जो इंसान चला गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, ना उसको प्यार दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एक बार एक टाइम चला जाता है ना, उसके बाद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में ऐसा है कि भाई मेरे को टाइम स्पेंड नहीं करना है, लेकिन आप दूसरी सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो कि भाई एक बार ये काम निपट जाएगा फिर उनसे मिल लेंगे, एक बार ये हो जाएगा उसके बाद, लेकिन वो बाद है ना कभी आता नहीं है। और मैं आपको भी यही कहूँगा, आपके मम्मी पापा, आपने दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, जो भी लाइफ में हो भाई, देखो छोटे मोटे तो है ना, वो क्या बोलते हैं, खटास थोड़ी बहुत तो लाइफ में चलती रहती है, थोड़े बहुत ऐसे प्लस माइनस चलते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि ये टाइम जो है ना अभी आप कर रहे हो, कब कैसे बदल जाएगा ना कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। जो भी है सारी चीज़ें साइड पर रखो, अपने पेरेंट्स है, अपने दादा दादी है, जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे कोई भी है, उनके साथ इतने प्यार से रहो ना कि आपको कल जाके देखो कुछ भी हो सकता है। आज मैं हूँ, कब नहीं होऊंगा, मेरे को भी नहीं पता है। ऐसे लाइफ में किसी का भी कुछ भी ठिकाना नहीं है ना, कोई कब चला जाएगा कुछ भी आइडिया नहीं है। तो फिर उसके बाद अफसोस करने से अच्छा है ना अभी सब जब है तब वो पल को हम जाने ना दें। चलो भाई सारा लगेज आ गया मम्मी और मासी का। नदी खोलवानी सुखरा खुल भी जाए, पाचड़ तो सीट फोल्ड कर दी दिया, त्रणे त्रण दिया बच्चे अभी जाओ। चलो अपा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो संभल के आराम से जाना और जल्दी आराम से आना। ठीक है 12:30 बजे ना 6 बजे तक आ जाएंगे वापस। सब कुछ ले लिया ना, कुछ भूल नहीं जा रहा है भाई? तारा से हाँ भूल नहीं रहा है ना कुछ? ये बॉटल रख दे वहाँ पे, अगर आते हैं तो आ जाएंगे आराम से। लाइफ लाओ मासी, बीजा बद्दा भी तो बॉटल लाओ। अभी हमको ना यहाँ से 101 किलोमीटर जाना है, 2:30 बजे पहुँचेंगे ऑलमोस्ट, 2:39 को, मतलब 2 घंटा लगेगा अभी। यहाँ से भाई खारी सिंह लेकर जाना है, जो पीनट्स बोलते हैं ना वो। तो अभी थोड़ा सा हम यहाँ से आगे चले गए थे, थोड़ा सा आगे निकल गए, तो भाई अभी गाड़ी अच्छा आ गया विशु। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खारी सिंह मिलती है, तो मासी के लिए ले जाना है और बाकी सबको भी काम लगेगा, क्योंकि एक ही टाइम खाते हैं ना, तो शाम के वक्त पीनट्स खाते हैं। चलिए भैया आ गई अपनी खारी सिंह, इधर है ना बहुत सही मिलती है, NH 48 पर ना, ये सुंदरपुरा करके जगह है ना वहाँ पर मिलती है। ये लो 1 किलो, ये घर के लिए मैंने अलग थैली में रखा है, ये 2 किलो। ये लो जी पहुँच गए हम भरूच ब्रिज पर, ये पुराना वाला ब्रिज है और वो नया वाला है। अभी विशु के साथ है ना मेरी शर्त लगी है कि बिना मैप में देखे वो घर तक पहुँचाएगा, घर मतलब मामा के घर तक, नानी के घर तक। पता है भाई, हाँ वही देख रहे हैं ना कॉन्फिडेंस तेरा आगे फुल कॉन्फिडेंस। अभी तक तो रास्ता सीधा सीधा है ना, तो वो तो सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन जिधर से मुड़ने का है उधर से मुड़ेगा के और कहीं मुड़ेगा या क्या करेगा वो भगवान जाने। तू देखना भाई क्या हुआ भाई, तेरे को क्या हुआ? वो था रुक रुक के क्या बोर्ड पड़ रहा था सब? अरे नहीं मैं तो देख रहा था। तेरे को तो सब पता है ना? हाँ पता ही है ना। तो फिर क्यों पड़ रहा था बोर्ड ऐसे ही? पीछे सबको पता है कि क्या गड़बड़ चल रही है इधर। गलत आ गया क्या? वही तो देख रहे हैं ना, हम बोलेंगे कुछ नहीं अभी तो। क्या नहीं नहीं सही है भाई, ये देख के पता लग गया मुझे ये सारा। ये लो जी पहुंच गए हम मंदिर, और उसके बाजू में तालाब पूरा कमल काकड़ी से भरा हुआ। नहीं कमल काकड़ी होगी क्या? सिर्फ पान होंगे मम्मी? अभी तो पान फूल दोनों होंगे, कमल काकड़ी बाद में आएगी, लेकिन मैं पहुंच गया हूं। इधर विशु यहां पर अंदर अंदर जाने दे। आ
आने दे। बस चलो भाई यहाँ से निकल रहे हैं मामा के घर से। और ये देखो, ये होता है मामा का प्यार। पहले ना मामा ने बोला कि थोड़ा सा वो लेकर जा, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, गुरस अमली के भाई गुजराती में, तो हाँ। भाई गुजराती में उसको गुरस अमली बोलते हैं, अभी हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो पहले मामा दिल देने वाले थे, मैंने बोला मामा दो दिन के बाद आऊँगा तब ले जाऊँगा, तो मामा बोलते हैं रुक जा, नाम लिया है तो ये लेकर जा। तो इसको छोटा छोटे आंवले जैसा कुछ होता है, अभी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ना मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये चीज बड़ी मस्त रहती है, जबरदस्त मजा आता है ना। ये चीज मैंने ना कब खाई मेरे को पता नहीं, शायद बचपन में खाई होगी लेकिन अभी मेरे को कुछ याद नहीं है। तो ये कैसा है टेस्ट में देखते हैं। ये भी खट्टा ही है। अरे नहीं, ये तो मीठा है, ये वाला तूने, ये वाला एकदम मीठा है, ये टेस्ट कर, जबरदस्त मीठा है ना भाई। ये किधर बीच में, अरे मामा के नाम में ही प्यार छुपा है ना, दो बार माँ आती है, माँ तो एक बार आती है माँ, लेकिन मामा दो बार। भाई इतने सारे भांजे भांजी आए लेकिन हर एक का ध्यान इतना रखते हैं ना मेरे सारे के सारे मामा। और अभी ना 4:11 पता नहीं कुछ भी हुआ है, मतलब 4:15 अभी घर पे पहुंचना है फटाफट। अभी हम जा रहे हैं ना, तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं घर, बहरूद से एंट्री लेंगे, सिटी के अंदर से जाना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा अंदर ट्रैफिक आएगा ना बीच में। नहीं, वो उतना नहीं है भाई, आज हम देखेंगे भी ना क्योंकि भाई कितनी देर में हम पहुंच पाते हैं और कैसा बना है। हाँ ये देखो, इतनी सारी चीजें ले ली रास्ते में खाने के लिए, ये दिख गया ना तो रुक गए यहाँ पर। वैसे भूख तो नहीं है लेकिन ऐसी छोटी मोटी चीजें ऐसे मंचिंग करते हुए जाते हैं ना तो मजा आता है ना। मामा के घर पे प्रॉपर हमने लंच किया है लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं रहा नहीं जाता, छोटी मोटी चीज देखते हैं तो मन हो जाता है। भाई साहब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चक्कर में ना किधर लेकर आया किधर तू, ये कौन सा रास्ता है विशु भाई, क्या बता अभी ये गूगल मैप्स के भाई भरोसे हम यहाँ पर पहुंचे। अरे भाई साहब अरे किधर विशु किधर, ओ माय गॉड किधर, दिल्ली मुंबई यहाँ से तो नहीं जाता है, ये गायों का एक्सप्रेसवे है भाई। भाई 1 किलोमीटर बाकी है बस अभी, 1 किलोमीटर तेरे को लगता है ये रास्ता एक्सप्रेसवे जाता होगा। हाँ भाई साहब ये रास्ते की कंडीशन तो देखो आप, ओ माय गॉड, लेकिन आगे रास्ता अच्छा है भाई इसीलिए। वो मैंने वो है ना वो गाय भैंस लेकर निकले थे ना जो चाचा, उनको पूछ लिया रास्ता हाईवे पर निकलता है, बोला हाँ निकलता है लेकिन भाई कब निकलेगा, और वो निकलेगा तब से पहले भाई हम किधर उधर उधर ना निकल जाए रास्ते से। ये क्या है भाई, अरे भाई साहब धीरे 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 भाई, ये भरूच की कौन सी तूने खड्डे वाली सड़क पकड़ ली है, कब की है ना, नींद भी आ रही है, मैं तो सो ही गया था लेकिन गाड़ी इतनी इधर 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 हो रही है ना तो मेरी नींद खुल गई। ये लो जी कोई तो रास्ता आया है, राइट जाने दे भाई तेरे मैप के हिसाब से, कुआदर निकले हम, ये कुआदर किधर आया भाई, पहली बार आया हम इधर विशु। ये जो पिलर्स दिख रहे हैं ना बाहर, वो किस चीज के पता है, किस चीज के, बुलेट ट्रेन, मुंबई जाएगी ना यहाँ से बुलेट ट्रेन उसके, देखो भाई ये कितने सारे पिलर्स बन गए, ये देखिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है भाई। और आगे ये देख अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गया, दिख तो रहा है भाई, वो देखो वो सामने दिख रहा, यहाँ से तो ऐसे ही लग रहा है कि वही है भाई, अभी जाने के बाद पता चलेगा। मैं तो भाई आराम से सो गया हूँ, इसका भरोसा नहीं ये कब पहुंचाएगा मेरे को वडोदरा। भाई इधर तो दिखा रहा है यहाँ से हाईवे पर, ले लो ले ले भाई ले ले, वेरी नाइस ले ले। अरे ये पीछे से चालू है भाई, किधर से चालू है देख तो भाई, गूगल मैप्स में यहाँ से शो कर रहा था, अब मैं क्या करूँ, हमको जिस डायरेक्शन में जाना है ना उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से दिख भी रहा है, ये देखो वो दिख रहा सामने, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, वो देखो ऊपर दिख रहा है ना एलिवेट किया हुआ है, वो दिख भी रहा है लेकिन उसका एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है भाई। फाइनली मैं एक्सप्रेस वे पर एंटर हो रहा है, यहाँ से भाई ऐसे घूम के जाएंगे, 6:45 अगर वैसे देखा जाए ना तो हम दोपहर को घर से निकले थे ना तभी 1.5 घंटे में हम पहुँच गए थे, और रिटर्न आते वक्त भी 1.5 घंटे में पहुँच ही सकते थे ना, तो भाई हम उधर से निकले थे 4:15, तो वैसे देखने जाए तो 6:45 तक हम वडोदरा पहुंच जाने चाहिए, तो अभी भाई 6:05 ऊपर होने आए और अभी तो हम इधर से एक्सप्रेस हाईवे एंटर कर रहे हैं। तो भाई साहब आगे खड़ी रखना भाई, थंबनेल भी ले लेना इधर, इतना जो घुमाया है तूने भाई पैसे वैसे नहीं ले रहे? नहीं। अरे वाह ये देख लो जी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे क्या सही बनाया है ना, ये देखो भाई यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो ना तो 959 किलोमीटर से जब रेडी हो जाएगा ना तब यहाँ से दिल्ली और यहाँ से मुंबई जाना
बहुत आसान हो जाएगा। ये लो जी, फाइनली हम 1 किलोमीटर में वडोदरा के लिए एग्जिट कर रहे हैं। टाइम हुआ है अभी 6:24। भाई देखो, लेट तो पहुंचे लेकिन एक एक्सपीरियंस हो गया ना। अभी नेक्स्ट टाइम आना होगा ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। एक नया रास्ता देख लिया ना तो वो अच्छी बात है। अभी हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। ये बेहतरीन सनसेट होता हुआ और सामने फ्री का टोल। अभी तो कोई पैसे नहीं लगते ना विश्व इधर। वही ना भाई, भाई मुफ्त में आओ मुफ्त में जाओ बिंदास। देखो भाई, कोई देखने वाला है ही नहीं इधर, कुछ भी नहीं है। चलिए भैया, पहुंच गए सोसाइटी में और ये आ गए हम घर पे। ओ भाई साहब, हमने देखा था हम पहुंच रहे ऐसा, उसके लिए खोल के रखा। ये लो आपकी खारी सिंह। ओ, एक्सप्रेस वे पे जाने का रास्ता ना विश्व को मिल नहीं रहा था और मैं बीच में सो गया था, तो उसने पता नहीं गूगल मैप के अकॉर्डिंग इधर उधर किधर किधर घुमाया और फिर जाके आगे जाके फिर वापस गए और फिर जाके रास्ता मिला। मैंने तो देखा था सूरत दिल्ली जो है ना वे, उस पे आपकी गाड़ी चल रही थी। मैंने बोला ये लोग कहाँ सूरत बुरत जा रहे हैं क्या? तो उधर ही गए थे ना हम, वही तो एक्सप्रेस वे से आए हम। राम जाने कहाँ कहाँ भटके होंगे। वो टिफिन सर्विस का फोटो क्लिक कर दिया है मैंने, कल से टिफिन आएगा अपने घर पे, बात कर लेंगे। अभी आज पूछेंगे, अगर शाम को होगा तो आएगा। अभी मम्मी भी है नहीं, रिद्धि भी है नहीं, तो हम खाना कैसे खाएंगे? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। और माँ, तू कब आ गई हमारे पीछे पीछे? पापा ये पहले से थी क्या हमारे साथ साथ आई? मैंने तो देखा नहीं, कब आकर बैठ गई माँ? ए माँ, यही सब करो। इसका पेट देखो अभी कितना बड़ा हो गया है। बच्चे इसके पेट में ना बहुत बड़े हो गए, अभी देखो पूरा पेट फूल गया है इसका। बहुत सारे बच्चे आएंगे इस बार। खाना खाना है? ये है, इतना खा ले पहले, उतना खा ले पहले, फिर देता हूँ। खा लो, गुड गर्ल। ख़त्म कर दे उतना, फिर दूसरा देता हूँ। बाने ना इसको भी बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं कि इसके अच्छे से सारे बच्चे हो जाए ऐसा करके। तो भाई बाना सबको इतने सारे आशीर्वाद देते थे ना कि उनके संपर्क में जो भी आता था ना वो सारे के सारे लोग खुश रहे ना, वैसा ही बाका सोचना था। आज थक गए सच में। एक्सप्रेस वे से जल्दी आने के चक्कर में ना हम इतना लेट हो गए ना, सारा मामला गड़बड़ हो गया। जो एम लेकर चले थे ना कि इतने बजे तक पहुँच जाएंगे, वो नहीं पहुँचे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, होता रहता है। अभी आने वाले शायद एक आध व्लॉग में आपको मेरी एनर्जी ऐसी थोड़ी सी कम लगेगी। आप भी समझ सकते हो कि ऐसे टाइम में व्लॉग करना और वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में करते हैं ना वो चीज़ में ही भाई हम ऐसे चुप हो जाते हैं ना, और ऊपर से भाई ये तो व्लॉग करना है जिसमें बोलना तो ज़रूरी है। तो फिर भी भाई उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से सब बोल के, मतलब जो भी कर रहा हूँ वो बता पाऊँ, अच्छे से बोल पाऊँ। लेकिन फिर भी आपको अगर लगता होगा कि भाई थोड़ी एनर्जी कम है तो एक आध व्लॉग ऐसे चला लेना, फिर धीरे धीरे करके भाई हम रिकवर हो जाएंगे अच्छे से। एक चीज़ तो है, बा याद आते रहेंगे वो तो है ही है, लेकिन बोलते हैं ना शो मस्ट गो ऑन। भाई कुछ भी हो लाइफ में, कैसे भी पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी हम जब हमारा काम करते थे ना तो बा को बहुत अच्छा लगता था, तो बा को खुश करने के लिए तो भाई मेरे को काम करना ही पड़ेगा। और वैसे भी भाई दुनिया का ये उसूल होता है ना, कभी भी कुछ भी हो जाए एक टाइम तक आप वो चीज़ पकड़ कर या वो चीज़ के गम में आप बैठ सकते हो, लेकिन भाई लंबा अगर वही चीज़ में आप रहोगे तो फिर वो चीज़ ना आपको सही ट्रैक पर से भटका देती है। तो भाई वो नहीं करना है हमको। मैं ट्राई तो पूरे पूरा करूँगा कि अगले व्लॉग में आपको अच्छी तरीके से भाई मस्त मज़ा करवा पाऊँ जैसा अभी तक करवाता आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से कुछ भी आगे पीछे हो तो चला लेना आप। दोस्तों ध्यान रहे कि सैमसंग S24 जीतने के लिए दिए गए लिंक से My11Circle ऐप डाउनलोड करना ना भूले और जीते 1 करोड़ रुपए, SUV कार्स और भी बड़े प्राइजेस। और तो और फर्स्ट डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।